हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग स्टूडेंट्स? प्रीवियस चैप्टर सारे हो गए हैं थर्ड स्टैंडर्ड के मराठी के। आज हम देखने वाले हैं 9 नंबर चैप्टर आईचा वाढ़ दिवस। आई होप सो आपने सारे चैप्टर लर्न किए होंगे अच्छी तरह से। अब हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। अगर इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहे। आईचा वाढ़ दिवस मीन्स मदर्स बर्थडे, मीन्स माँ का बर्थडे, माँ का जन्मदिन। ऐका व म्हणा, आज सागरच्या आईचा वाढ़ दिवस। आज क्या है? सागर की माँ का बर्थडे है। अजय आला, अभय आला, सायरा आली, अनु आली। सागर ने चटई अंथरली, मुले चटईवर बसली। देखो सागर के सारे फ्रेंड्स आए हैं, अजय, अभय, सायरा, अनु। और सागर ने चटई अंतरली, मतलब सागर ने मैट बिछाया। देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है, सागर मैट बिछा रहा है और ये मैट पे सब बच्चे बैठ गए। आई ने वाढला चमचा ने खाऊ, आपन सगळे मिळून खाऊ, सागरच्या आईला शुभेच्छा देऊ। इसका मतलब देखिए, आपको बच्चे दिख रहे पिक्चर में, जो सागर की मम्मी उन्हें परोस रही है, अच्छा अच्छा खाना परोस रही है। तो ये सब क्या करे, सब मिलके खा रहे हैं और सब सागर की माँ को शुभेच्छा दे रहे, मतलब बर्थडे का विश कर रहे हैं। सिंपल सी पोएम है स्टूडेंट्स, आप अच्छे से लर्न कर पाओगे। एकदम सिंपल है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 8-10 लाइन में ही खत्म हो रही है स्टूडेंट्स ये पोएम। चलो अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तुमच्या मित्रांची मैत्रिणींची नावे सांगा, मीन्स आप लोगों के फ्रेंड्स के, मतलब मित्र मैत्री, मतलब आपके दोस्तों के नाम बताने हैं। तुमच्या कुटुंबात कौन कौन रहते हैं, आपके कुटुंब में, मीन्स आपके फैमिली में कौन कौन रहता है ये बताना है। तुमच्या आईचा वडिलांचा वाढदिवस तुम्ही कसा साजरा करता, आपके माँ का, आपके पिताजी का, आप बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हुए आपको बताना है। तुम्ही तुमच्या मित्र मैत्रिणींच्या वाढदिवसाला गेला होता का, तिथे वाढदिवस कसा साजरा केला तो सांगा। आपने अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पे गए हो क्या आप, वो वहाँ पे आपने कैसे सेलिब्रेट किया बर्थडे, ये आपको बताना है। पहा ऐका व म्हणावाचा, चटई ये क्या है, चटई चमचा, ये चमचा है। ऐका व म्हणा, सारख्या अक्षरांखाली रेग ओढा, सारख्या अक्षरांखाली मतलब जो सेम अक्षर है, जो सेम लेटर है, उसे क्या करना है, लाइन अंडरलाइन करना है। अजय, अभय, अनु, यहाँ पे अ अ अ ये क्या है, सेम है, तो यहाँ पे अंडरलाइन करना है। आई, आईचा, आईला, आईने, यहाँ पे भी देखिए सेम है ये, आ आ आ, और यहाँ पे है आ, इस सबको आ को अंडरलाइन करना है। यहाँ पे देखिए आज, अपन, आला, आली, सारे शब्दों में आ आ आ आए, तो आ को अंडरलाइन करना है। सागर, सायरा, सा आणि सा, देखो सा और सा है, उस आ को और ये सा को अंडरलाइन करना है। खाऊ, देऊ, खा नहीं, उ और उ को अंडरलाइन करना है। आई, चटई, ई आणि ई, या दोघांना अंडरलाइन करायचं। अजय, अभय, आणि य आणि य ला अंडरलाइन करायचं। ऐका, शब्दपट्टी पहा, वाचा, तुमच्या कुटुंबातील व नात्यातील व्यक्तींची नावे सांगा। आपको सुनना है और ये शब्दपट्टी क्या करना है, देखना है और पढ़ना है। यहाँ पे आई वडील, आई वडिलांची काय करायची, तुम्हाला नावे लिहायची आहेत, बहीण भाऊ, बहीण भाऊची नावे लिहायची आहेत, आजी आजोबांची नावे लिहायची आहेत, काका काकीची नावे लिहायची आहेत, मामा मामींची नावे लिहायची आहेत। इथे गोलातील अक्षर जोडलेले शब्द ऐका, वाचा, शब्दांतील सारख्या अक्षरांखालील रेग ओढा। गोलामध्ये शब्द दिलेले आहेत, मतलब सर्कल में लेटर दिए हुए, शब्द अक्षर दिए हुए है। देखिए च है ये, तो यहाँ पे क्या आएगा, च टई च मचा, सारख्या अक्षरांना मीन्स चटई च ला च ला काय करायचे, अंडरलाइन करायचे, मतलब च को अंडरलाइन करना है।
अ, अजय, अभय और नू, यहाँ पे अ, अ और अ सेम अक्षर है, मतलब सेम अक्षर आलेली आहेत अ, मग ह्याला अंडरलाईन करायचं. खा दे उ, मतलब देखिए खा उ दे उ आणि उ सेम अक्षर आलेली आहेत म्हणून उला अंडरलाईन करायचं. अ जय अभय, अजय य को अंडरलाईन करना है और य को सा य रा सागर, यहाँ पे सा और सा सेम है तो सा को अंडरलाईन करना है. आज आई, इथे आहे आ आणि आ सेम आहे म्हणून आला अंडरलाईन करायचं. ऐका वाचा, अ च य सा उ आ ई, वरील अक्षरांनी सुरुवात किंवा शेवट होणारे तुम्हाला माहीत असलेले शब्द सांगा. यहाँ पे जो शब्द जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जो शुरुआत में कौन से अ से कौन से शुरुआत वाले कौन से वर्ड्स है वो आपको जैसे कि अननस आप बता सकते हो, तुम्हाला माहिती असेल ना अ वरून कुठले शब्द सुरू होतात, अननस, अजगर अशा प्रकारे, चमचा आणि चटई, यज्ञ, सागर, साप, ऊन, मऊ, लास्टला पण येऊ शकता, शेवटी पण सुरुवातीला पण अशा प्रकारे. आगगाडी आणि आरसा हे आहे इडलिंबूचा ई आहे, मग इडलिंबू शेवटी येते ना हे ई, मग सुई लिहू शकता तुम्ही. पहा, ऐका, समजून घ्या आणि वाचा. सला काना सा, चला काना चा, यला काना या, खालील अक्षर जुळवा, शब्द बनवा आणि वाचा. नीचे दिए गए अक्षरों को क्या करना है, मिलाना है और वर्ड्स बनाना है. इकडे बघा, बनवून दिलं आहे एक सा य आणि या, ठीक आहे. मग तुम्ही लिहू शकता इथे आ ई आणि अ सा असे शब्द तुम्ही बनवू शकता. पहा, गिरवा, लिहा आणि वाचा. इधर देखो अ लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे अ लिखना है, इसके ऊपर ट्रेस भी करना है, गिरवा मतलब ट्रेस करना है. यहाँ पे है आ और आपको यहाँ पे आ लिख देना है. ऐका मना सांगा, आपको सिर्फ सुनना है और बोलना है और बताना है. चटई, चटई अंथरली, चटई कुंडाली. खाओ, खाओ दिला, खाओ 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 खाला. चादर का कैसे करेंगे आप, चादर अंतरली, चादर गुंडाली, सतरंजी अंतरली, सतरंजी गुंडाली. ऊस, ऊस दिला, ऊस खाला. लाडू, लाडू दिला, लाडू खाला. तो आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स. आई होप सो आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो. अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.